सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। रणबीर जल्द ही बॉलीवुड के बैड बॉय कहे जाने वाले संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म में संजय दत्त की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए हैरतअंगेज ट्रांसफॉर्मेशन किया। संजय की जवानी से लेकर उनके अब तक के हर लुक को रणबीर ने बखूबी अपनाया। इस फिल्म में संजय की विवादों भरी जिंदगी से लेकर उनके अफेयर को भी फिल्म में एक अलग ही अंदाज में दिखाया जाएगा। संजू बाबा की बायोपिक पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर चुकी है, इसलिए अब इसके निर्देशक राजकुमार हिरानी ने अपनी इस फिल्म की झलक दिखाने का फैसला किया है। क्योंकि यह फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार की बायोपिक है, इसलिए इसके ट्रेलर को भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, मेकर्स इस फिल्म के ट्रेलर को आईपीएल मैच के दौरान रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रणबीर कपूर की संजय दत्त की बायोपिक फिल्म का ट्रेलर मैच के बीच रिलीज होगा, जो कि 24 अप्रैल को हैदराबाद सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच कांटे का मैच है। प्लान के मुताबिक रणबीर और संजय दत्त इस खास मौके पर अपनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करेंगे और इसी के साथ 30 मिनट तक फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजकुमार हिरानी बात की कमान संभालेंगे, वहीं संजय दत्त इस बारे में बात करेंगे कि कैसे रणबीर ने इस फिल्म में खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया और सबको हैरान कर दिया। बातचीत के दौरान हिरानी यह भी बताएंगे कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखने में उन्हें कितनी दिक्कत हुई थी, खासकर जब संजय की जिंदगी को प्रेस द्वारा कवर किया गया। सार्थक के साथ गीता, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।